गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 1 जनवरी, इस साल का पहला दिन। तो बहुत सुबह मैं आज उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद बहुत सारा काम हुआ। मैंने बताया था कि आज हम पिकनिक में जाएंगे, तो सारी तैयारी वगैरह हो गया, बस अभी हमें रेडी होना है। तो मैं अभी पहले खुशी को रेडी कर दूंगी, उसके बाद और क्या क्या लेके जा रही हूँ वो सारा तैयार हो गया। बस अभी चाय बन रहा है, चाय भी हम लेके जाएंगे फ्लक्स में। और चलिए मैं सबसे बात करवा देती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती हूँ। मेरे पूरे फैमिली के ओर से आप सभी को नया साल के ढेर सारे शुभकामनाएं। बहुत सारा खुशियाँ लेके आए ये साल, सबकी ज़िंदगी में अच्छा हो, बहुत तरक्की हो, बहुत अच्छा अच्छा हो, बहुत बहुत मतलब सब पॉजिटिव हो। सो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जो भी होगा मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी, और हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और सबसे घर में सबसे एक बार बात करवा देती हूँ। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। एदिके ताकाओ, एदिके ईयर सबाई के। सो यहाँ पे सारा सामान ले लिया है, जो खाने का सामान है ब्रेकफास्ट का। तो इसमें खुशी का पानी है, इसमें गर्म पानी है, और उसका खाना सब कुछ यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे चाय बन रहा है, चाय दिखाती हूँ मैं। ये देखिए चाय बन रहा है, चाय में उबाल आ गया, तो इसे अब फ्लक्स में डाल देंगे। माँ चाय होएगा छे फूटेगा छे। और माँ अभी ब्रेकफास्ट कर रही है। तो ये मैं हैप्पी न्यू ईयर बोला, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोला, हैप्पी न्यू ईयर। सो क्यूट। गाड़ी चला जो फोन कर ला दीदा, हैप्पी न्यू ईयर बोला, हैप्पी न्यू ईयर बोला, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों ना, क्यों ना, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो आप सभी को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे भी काकी तैयार होगी, और गुड़िया को यहाँ पे रेडी कर रही है, और उसको ये कपड़ा पहनना नहीं है तो रो ही जा रही है। पर पर भलो আছে, सुंदर আছে না তো। হ্যাঁ सो गाइस, गाड़ी अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारा बलून वगैरह मैं फुला के रखी हूँ, तो गाड़ी में सजाना है। तो चलिए हम तैयार हो लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। और पता है 10 बज गया, हमें 9 बजे निकलना था, और एक भाई जाने वाला है हमारे साथ, तो स्कूटी लेके गया है, तो वो आने के बाद ही हम निकल जाएंगे। तो बाकी सब कोई गाड़ी में चला गया है, सब सामान भी गाड़ी में रख गया है, बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए मेरा ये वाला पिकनिक वाला व्लॉग। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं कैसे लग रही थोड़ा बताइएगा। हाँ तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी जो आ गई है, और हमने थोड़ा सा बलून लगा के इसमें डेकोरेट कर दिया है। और हम बहुत कम आदमी मिलके जा रहे हैं, तो हमारी छोटा गाड़ी से ही हो जाएगा। तो सब सामान वामान पैक है, खुशी यहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें जहाँ पे जाना है आज पिकनिक में। तो कहाँ पे मैं जा रही हूँ वो धीरे धीरे आपको देख के समझ में आ ही जाएगा। और यहाँ पे काकी है, काकी की बेटी यानी गुड़िया, वो सब बैठे हुए हैं। तो अभी हम आस्ते आस्ते निकल रहे हैं, हमारी जो टी गार्डन है इसको छोड़ के धीरे धीरे हम हमारी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इन्जॉय कीजिए आज की ये पिकनिक का व्लॉग। तो अभी मैं यानी हम सब पहुँचे हैं बिहार मोड़ बागडोगरा में, और हमें यहाँ से ना मिठाई लेनी है ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं गाड़ी से उतर के अभी जा रही हूँ, यहाँ पे मुझे मिठाई वगैरह लेना है। तो मिठाई ले लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से हम निकल जाएंगे, और कहीं पे हमें रुकना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। और यहाँ से आई थिंक 2 घंटा लगता है हम जहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं मिठाई ले लेती हूँ, उसके बाद रवाना होते हैं यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज मिठाई की दुकान में, और खुशी यहाँ पे थोड़ा सा लुका छिपी कर रही थी। मैं उसको कैमरे दिखा रही थी, तो वो नहीं दिखाने के लिए यहाँ पे अपना फेस को ढक रही थी जैकेट की टोपी से। तो चलिए गाइस बने रहिए मेरे चैनल के साथ।
अभी हम रुके हैं एक व्यू पॉइंट में, ये व्यू पॉइंट का नाम है टिमलिंग शायद। तो यहाँ पे रुके हैं, काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है, बहुत ठंड सा हवा चल रहा है। तो मैं यहाँ की एक थोड़ा सा व्यू आप सबको दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, थोड़ा सा फोटो वोटो उठा कर फिर हम लोग चलेंगे आगे जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। तो चलिए यहाँ का व्यू थोड़ा सा देख लीजिए। तो अभी हम मिरिक के बाज़ार के सामने हम पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर में शायद हम मिरिक में एंटर कर जाएंगे। तो मुझे नहीं पता, ड्राइवर जी ने बताया कि बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो ये जो रास्ता का जो व्यू था ना गाइस, बहुत ही सुंदर सा व्यू था। बट मैं ना बहुत उतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि खुशी ना मेरे गोदी में थी और मुझे रिकॉर्ड करने का उतना टाइम नहीं मिला, टाइम मतलब चांस ही नहीं मिला। तो जितना भी हो सके मैं रिकॉर्ड की हूँ। तो अभी भी थोड़ी देर में हम पहुँचाएँगे मेरी लेक में। तो चलिए ये टाउन में शायद पहुँचे हैं, मुझे उतना नहीं पता है। तो ये टाउन क्रॉस करके ही शायद हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर ऑरेंज बिक्री कर रहे थे। सो पहुँच गए हम मिरिक में। अभी हम गाड़ी पार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मैं फिर आगे के दिखाती हूँ आप सबको। हम पहुंच चुके हैं और ये हम यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट हम घर से लेके आए थे, तो मैं दिखाई थी आप सबको। तो ये है चाय। तो चाय तो मेरा हमेशा जहाँ पे भी जाओ चाय रहेगा ही। तो यहाँ पे सब बैठ के हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट में थी अंडा, मिस्टी, बनाना ब्रेड और चाय। तो सब कोई बैठ के यहाँ से मज़े से हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद ही हम जाएँगे मिरिक लेक पर। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम धीरे धीरे जा रहे हैं लेक के तरफ। तो ये है मिरिक की लेक। तो मैं इसे ना यूट्यूब में देखी थी, तो आज अब सामने से देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बहुत बड़ा सा एक लेक है यहाँ पे, और बैठने का यहाँ पे पार्क ठीक नहीं है, मतलब मैदान जैसा है। तो यहाँ पर बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ के टिफ़िन वगैरह खा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा धूप थी आज, तो सब कोई धूप में बैठे थे यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था देखने। और यहाँ पे ना गाइस एक बड़ा सा मछली जो है मर गया है वो, तो वो रहा वो मछली। और यहाँ पे देखिए बोटिंग वगैरह भी होता है, तो हम बोटिंग में नहीं गए क्योंकि खुशी छोटी है और किसी को चलाना नहीं आता है, और ये खुद से चला के आपको घूमना है, इसीलिए हम बोटिंग में नहीं गए। बच्चे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बड़ा सा एक मैदान मिल गया, तो वो लोग दौड़े जा रहे, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो बच्चा अगर खुश हो जाए ना तो सब कुछ खुशी लगता है। तो
मेन रीज़न था खुशी को लेके ही आना और मेरी माँ को, तो वो हो गया। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है खुशी ने। तो ये लेक का ऊपर में एक ब्रिज बनाया हुआ है, तो उसका ऊपर में मैं उठी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो ये ब्रिज क्रॉस करके उधर भी घूमने का जगह है, तो उधर तो माँ उतना नहीं चल सकती है, तो हम उधर नहीं गए। बस थोड़ा सा मैं ब्रिज का बस लास्ट तक मैं गई थी और वहाँ से फिर वापस आ गई, और क्योंकि खुशी को लेकर उतना चला नहीं जा रहा था इसलिए। और यहाँ पे ना कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस मिलता है, ये दार्जिलिंग में भी मिलता है, तो वहाँ पे मुझे खुशी का साइज का ड्रेस नहीं मिला था, तो यहाँ पे मुझे मिल गया। तो खुशी को मैं ये पहना के उसको फ़ोटोशूट की हूँ, तो बहुत ही खुश हुई थी खुशी ये पहन के, और गुड़िया भी। तो वो दोनों ना बाद में ये ड्रेस खोलना ही नहीं चाहती थी, मुझे उसे वो लेके घर जाना है, तो बहुत मुश्किल से बाद में खोलना पड़ा ये। तो इसे पहना के मैंने एक बड़ा सा फ़ोटो बना के लेके आई हूँ, जो मैं घर में रखूँगी ये। और मेरा भी एक है जब मैं फ़र्स्ट टाइम दार्जिलिंग गई थी उस टाइम का फोटो, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, एक फोटो दे दूंगी देखने के लिए, तो आप सब वो देख सकते हो। तो उसके बाद ना खुशी और मैं मिलके हम दोनों ने हॉर्स राइड किए हैं। तो तीन टाइप का हॉर्स राइड था, एक था 160 का, एक था 320 और एक है 460 का। 460 का है जो पूरा होल मिरिक का लेक साइड में घुमाने वाला था, तो हम वो वाला नहीं गए, तो हम छोटा में ही गए थे 160 वाला में, तो ये ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं था, तो हम उसी में गए, क्योंकि खुशी को अगर बाई चांस में अगर खुशी डर गई तो रिक्स हो सकती है, और बाई चांस में अगर घोड़ा दौड़ गया तो बहुत ज़्यादा रिक्स हो सकता है, इसलिए हमने छोटा वाला राइड ही लिया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा किए हमने। तो हमने यहाँ पे बिरयानी का ऑर्डर किया था, तो ये प्रधान रेस्टोरेंट है, एकदम मिरिक झील के पास में ही है। तो यहाँ का जो बिरयानी है ना गाइस, बहुत ही घटिया बना था, तो आप कभी भी जाएंगे तो प्लीज़ वहाँ पे मत खाइए, मैं ही रिकमेंड नहीं करूँगी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। तो यहाँ पे हम सब अभी घर जाने के लिए निकल गए, और यहाँ पे कुछ ऑरेंज लेने के लिए हम रुके थे, तो ऑरेंज लेके इसके बाद हम सीधा गाड़ी में चढ़ के सीधे हम घर आएंगे, क्योंकि शाम हो गई थी और यहाँ से जाने में, घर जाने में 3 घंटा लग जाएगा, तो इसीलिए अभी हमें जल्दी जल्दी निकालने भी है यहाँ से। सो गाइस, मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये पिकनिक वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू सून।